हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में हम लोग जी के जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और साथ ही साथ उसमें डिटेल भी दिए होंगे लास्ट में क्वेश्चन के, तो उसको भी देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर बता दें, वीडियो के आखिरी जो 8 क्वेश्चन लगभग हैं वो आपके यूपी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए फर्स्ट हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। किस क्षेत्र को विश्व रोटी की टोकरी कहा जाता है, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या मध्य अक्षांश वन, इसमें से किसे विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, शीतोष्ण घास की मैदान है उसको विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। यहाँ पर डिटेल भी दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोने की खनन के लिए, हीरे के खदानों के लिए, इस्पात उद्योग के लिए या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। इसमें से जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस करिएगा। राइट आंसर है किम्बर्ली प्रसिद्ध है आपका हीरे की खान के लिए। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। डिटेल देखते हैं, किम्बर्ली हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है, बिग होल, ओपन माइन या किम्बर्ली माइन, इन तीनों का एक ही नाम है। दक्षिण अफ्रीका के किम्बर्ली में एक खुले गड्ढे वाली और भूमिगत खदान है और दावा किया जाता है यह हाथ से खोदा गया सबसे बड़ा आपका खदान या गड्ढा है। वायुमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, हवाओं, बादलों, गुरुत्वाकर्षण की वजह से या पृथ्वी के घूमने की वजह से। किसकी वजह से पृथ्वी पर अपना वायुमंडल पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमें पृथ्वी पर वायुमंडल देखने को मिलता है। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, वायुमंडल जिसका अर्थ है ग्रह या किसी अन्य भौतिक पिंड के चारों ओर गैसों की एक परत जो उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपनी जगह पर बनी रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर अपना पर्यावरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का हिस्सा है? कुरुमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई तरीके से पूछते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पूर्वी तट का हिस्सा है, यानी कि सारे तट कहाँ पर स्थित हैं, कुरुमंडल कहाँ पर स्थित है, कोंकण या मालाबार, ये सब आपको, या उत्तरी सरकार तट, ये सब आपको याद होना चाहिए। यहाँ नीचे मैंने मैप में प्रोवाइड कर रखे हैं। अभी आंसर देखते हैं, इसमें से कौन सा पूर्वी तट का हिस्सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट का हिस्सा है। आइए मैप में हम लोग देखते हैं, कोरोमंडल तट कन्याकुमारी और फर्स्ट डिवी पॉइंट के बीच भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट है और इसमें श्रीलंका द्वीप का दक्षिण पूर्वी तट भी शामिल है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे। आइए देखते हैं सारे, काठियावाड़ जो तट है वो गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात से लगा हुआ महाराष्ट्र तक। फिर कोंकण तट है आपका महाराष्ट्र के दमन से लेकर के गोवा तक का। केंद्रा तट है आपका गोवा से कर्नाटक के बीच में। मालाबार तट है आपका तमिलनाडु तक, कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु नीचे तक और केरल पूरा ख़त्म करके। और फिर वहीं तमिलनाडु से ही कोरोमंडल तट आपका आंध्र प्रदेश तक लगा हुआ है पूर्वी घाट पर। और फिर आंध्र प्रदेश से महेंद्रगिरी पर्वत, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये पूछा भी है महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे उत्तरी सरकार है आपका पश्चिम बंगाल तक, उत्तरी सरकार, इस तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। पूर्वी तटीय मैदान जिसको कोरोमंडल तट बोलते हैं, यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, मिलने वाले पॉइंट पर। और कर्नाटक से यहाँ मालाबार तट, फिर केंद्रा तट और कोंकण तट, और फिर ये काठियावाड़ तट। इस तरीके से आप लोग का जो मैप देख करके चीज़ें समझेंगे तो आसानी से आपको याद होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं ये भी पूछता है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ ये दोनों हैं केरल और तमिलनाडु के, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सह्याद्री पहाड़ी किसको बोलते हैं, तो महेंद्रगिरी पर्वत, ये सब आप लोग मैप में देख करके इजली लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वांडीवाश का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच, ब्रिटिश और डच कंपनियों के बीच, डच और पुर्तगाली के बीच, फ्रांसीसी और डच कंपनियों के बीच। तो वांडीवाश का जो युद्ध है वो बहुत ही निर्णायक था, क्योंकि इसी के बाद जो ब्रिटिश थे उनका राज हो गया था और फ्रांसीसी कंपनियाँ जो थी यहाँ पर डूब गई थी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ा गया था। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया ये तीसरा कर्नाटक का युद्ध था, इसे वांडीवाश का युद्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत सरकार ने थर्मल पावर प्लांटों को फ्लू गैस डिसफॉसराइजेशन जिसको बोलते हैं इकाइयां स्थापित करने का आदेश दिया है?
यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, विषैले कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, विषैले सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती या उपरोक्त सभी। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही है जिससे हम लोग एसिड रेन देखने को मिलता है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। यहाँ पर फ्लू गैस डिसफाल राइजेशन जो है इकाई वो स्थापित की गई है विषैले सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती के लिए। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कब से कब किया गया है, तो यहाँ पर दिया केंद्र ने शुरू में थर्मल पावर प्लांटों के लिए फ्लू गैस डिसफॉलराइजेशन इकाइयों को स्थापित करने के लिए उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी, जो कि विषाक्त सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करती है, लेकिन हो नहीं पाया तो इसलिए अभी भी लागू है। जापान में मिनीमाता आपदा, मिनीमाता नहीं मिनीमाता है, के लिए उत्तरदायी प्रदूषण का स्रोत क्या था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेड पारा कैडमियम जिंक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारा, यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन वो राइट आंसर है। मिनीमाता क्यों बोलते हैं, तो ये रोग पहली बार जापान में 1956 में कुमेटो प्रांत के मिनीमाता शहर में खोजा गया था, इसी के लिए इसका नाम मिनीमाता पड़ गया। यह चिसो कॉरपोरेशन के रासायनिक कारखाने से औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिथाइल मर्करी निकलने के कारण हुआ था, और वहाँ की मछलियों में ये चला गया था और मछलियों को खाने से फिर आदमी इससे प्रभावित हुए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया है, यहाँ पर अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, अनुच्छेद 115 है, 116 है, या फिर 226 या 249। इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 249 है, इसमें इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अनुच्छेद 249 है संसद को राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि 226 है उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये भी पूछा है अनुच्छेद 226 के बारे में। 216 जो है वो लेखानुदान साखमत और असाधारण अनुदान से संबंधित है। मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से उपमृदा तक खनिजों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी हिंदी ना दे करके सीधे सीधे इंग्लिश में पूछ लेता है। टपकन बोलते हैं यानी कि परकुलेशन, प्रवाहकत्व बोलते हैं यानी कि कंडक्शन, लिंचिंग या फिर निछालन, स्वेद या ट्रांसपिरेशन। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा मृदा जल के माध्यम से ऊपरी मिट्टी से उपमृदा तक खनिजों का जो स्थानांतरण होता है उसको बोलते हैं लिंचिंग या निछालन, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर किस वाद्य को बजाते हुए दिखाया गया है, वीरा मृदंग सारंगी या फिर तबला, तो गुप्त शासकों का सिक्का सिर्फ एक ही टाइप का नहीं कई टाइप के थे, यहाँ पर जो है वाद्य यंत्र जो दिया है वो वीरा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है, वीरा बजाते हुए दिखाया गया है। आइए इनके जो सिक्के हैं उसके बारे में देखते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों को निम्न प्रकार के हैं जो खोजे गए हैं, संस्कृत भाषा की किंवदंतियों के साथ उद्घाट हैं, मानक प्रकार के हैं, और दूसरा है आर्चर प्रकार के, तीसरा है टाइगर स्लेयर प्रकार का, और चौथा जो है वो लड़ाई कुल्हाड़ी प्रकार का, और पांचवा जो है गीति काव्य प्रकार का, और इसी गीति काव्य प्रकार में ही ये अपने एक सोफे पे घुटनों के बल बैठ करके वीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो जो ये प्रकार है ये आपका पीसीएस रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर जो आप रिव्यू ऑफिसर या फिर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। गीति काव्य प्रकार में ये सिक्के जो पाए गए हैं इसमें सोफे के बल पर घुटनों पर बैठे हुए वीड़ा बजाते हुए दिखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में और देख लेते हैं, इनका साम्राज्य जो है उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर के दक्षिण पश्चिम में मध्य भारत तक और पश्चिम में रावी नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अपने सिक्कों के अनुसार वह अपराजित रहा था, यानी कि इनको कोई परास्त नहीं कर पाया था। प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य का सिक्का जो है वो कुषाण साम्राज्य के सिक्के से लिया गया है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है वो कथन और कारण वाले में। गुप्तों ने कुषाणों से अपने सिक्कों के लिए जो दिनार नाम था उसको आया था, सिक्कों को दिनार कहने के लिए ये गुप्तों ने कुषाणों से ही लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर के पुराने शहर की स्थापना किसने की थी जिसे अब पंडरेथन के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंबसार या फिर अशोक, तो किसे अब पंडरेथन के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर का एक पुराना शहर,
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अशोक ने श्रीनगर के पुराने शहर की स्थापना की, जिस शहर को अब पंडितछण के नाम से जाना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है जलूका, वो कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। अशोक ने वहीं पर विजयेश्वरी में एक शिव मंदिर भी बनवाया था, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो ज़्यादातर शिव के उपासक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वायुमंडल का वह स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक आयनों से बना होता है कहलाता है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर या मेसोस्फीयर, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अगर जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन से, तो एक ही आंसर हो सकता है, आयन मंडल यानी कि आयन क्षेत्र। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं? पोन्ना, अलसानी पिदाना या फिर बाणभट्ट या चंद्रप्रदाई। तो ये भी एक महाकाव्य है मनुचरित्र, इसमें राजा मनु मतलब भारत या विश्व के पहले जो आदमी थे मनु, उनसे लेकर के और अभी तक के शासनकाल में कैसे कैसे घटनाएं हुई, इसका चित्रण किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो अलसानी पिदाना है, यही महाकाव्य मनुचरित्र को लिखने वाले हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं। अलसानी पिदाना महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं। मन की कहानी भी विजयनगर शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय के समय में राजत्व और उसकी आवश्यकता के बारे में एक पुस्तक है, जो कवि के करीबी दोस्त और संरक्षक थे। यानी कि ये किसके संरक्षक थे? तो राजा कृष्णदेवराय के। और किसी भी भाषा में पहले अनुवाद के साथ ये लिपि में किस लिखी गई थी? तेलुगु लिपि में प्रस्तुत मनु की कहानी है प्रारंभिक आधुनिक और दक्षिण भारतीय साहित्य की एक यथार्थ सर्वोत्कृष्ट रचना है। पुन्ना जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें उनकी रचनाएं हैं जिनाक्षर माले, भुवनिका, रामाभ्युदय और शांति पुराण। बाणभट्ट की रचनाएं हम लोग देखते हैं तो हर्षचरित और कादंबरी हैं, और चंद्रप्रदाई की एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो है। निम्नलिखित साहित्यिक सूत्रों में से कौन सा लोकप्रिय कवि कालिदास से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है नहीं है, मालविका निमित्रम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस कालिदास का नहीं है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। यहाँ पर इसका डिटेल दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मृक्ष कटिकम के लेखक जो थे वो शूद्रक थे, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत भाषा का एक नाटक है जो भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कला साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है और गुप्त काल में ही इस साहित्य को संस्कृत में लिखा गया था। उनकी 5वीं शताब्दी में अपने दरबार में 9 रत्न बनाए रखने का श्रेय दिया जाता है, 9 दिग्गज थे जिसको 9 रत्न बोलते हैं। और संस्कृत कवि कालिदास और जो कवि और नाटककार हैं इन सभी 9 रत्नों में सबसे महान थे। पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? पुरुष सूक्त अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। इसमें से जो राइट आंसर होगा पुरुष सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का एक सूत्र है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है विवाह समारोहों को दर्शाता है। मगरमच्छ, अब यहाँ पर हम लोग यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का हिस्सा करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। इसका राइट यही होगा उत्तर प्रदेश ही, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन है कहाँ पे? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन बना हुआ है कब शुरू किया गया था, तो ये 1975 में शुरू किया गया था। प्राथमिक ध्यान प्रजनन और कैद में पलने पर था, मतलब इनको एक जगह पर रख करके और इनका प्रजनन किया जाए। यह भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कोष के सहयोग से की गई थी, ये पॉइंट भी आप लोगों का क्वेश्चन बना हुआ है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से मगरमच्छों की आबादी में जो है वो वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया गया है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित हैं। करतनिया वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह बहराइच जिले के तराई में 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। तो यह है कहाँ पर? तो करतनिया घाट बहराइच जिले के तराई में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड है, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, यूपी 3SC का, तो ये फेवरेट है क्वेश्चन। संगीत अकादमी कहाँ पर है, या भारत कला भवन, औषधि संस्थान, इस तरीके से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा कि ये सारे संस्थान या अकादमी कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी, ये है आपका लखनऊ में स्थित, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1954 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्यों, संगीत नृत्य और नाटक को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कला भवन कहाँ स्थित है, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर लखनऊ, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भारत कला भवन की बात आती है तो भारत कला भवन आपका स्थित है वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ पर, तो ये वाराणसी का जो BHU है वहीं पर स्थित है। भारत कला भवन यूपी के वाराणसी में स्थित है, और संग्रहालय की जो स्थापना है 1920 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा भारतीय कला संस्कृति इतिहास के अध्ययन और समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, और यह कला भवन संग्रहालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा शासित राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन याद रखने हैं कि कब फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या किया गया या इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया, 2017 में, 18 में, 19 में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये किया गया था 2018 में, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, बाराबंकी, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है, ये है आपका लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंभर दयाल, कैलाशनाथ गोयल, विजयलक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रथम लोकायुक्त तो उत्तर प्रदेश के हैं विशंभर दयाल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खेल की वस्तुओं के विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी से रिलेटेड, आगरा, मथुरा, कानपुर, मेरठ, तो थोड़े थोड़े खेल के सामान आगरा में भी बनते हैं, मथुरा और कानपुर में भी, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो मेरठ होगा, मेरठ शहर जो है खेल वस्तुओं के विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका भी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, आगरा, झांसी, इलाहाबाद या फिर मथुरा, तो रानी महल संग्रहालय आपका स्थित है झांसी में, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का पूछा है, लास्ट इसी से रिलेटेड है जो है मानवतावादी दिवस से रिलेटेड, किस तिथि को मानवतावादी दिवस दुनिया भर में मानवीय प्रयासों का सम्मान करने और मानव कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है, अगस्त में मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे, राइट आंसर जो होगा मानवतावादी दिवस मनाते हैं 19 अगस्त को, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पर है 2023 के विश्व मानवतावादी दिवस की थीम क्या है, अगर जो दिवस मनाए जाते हैं तो उससे रिलेटेड थीम भी होती है, इट टेक्स अ विलेज नो मैटर वॉट, या फिर द ह्यूमन रेस, या द रियल लाइफ ऑफ हीरोज, तो 2023 का जो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है इसका जो थीम रहा है वो है सेकेंड ऑप्शन, नो मैटर वॉट, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।